सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद हर कोई गम में डूबा है, लेकिन आसिम रियाज बहुत ज़्यादा टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। आप सभी को बता दूं कि जब सिद्धार्थ शुक्ला का देहांत हुआ था, तब सबसे पहले आसिम रियाज ही हॉस्पिटल पहुंचे थे, और उसके दूसरे दिन सबसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर भी आसिम रियाज ही पहुंचे थे। और जिस दिन सिद्धार्थ शुक्ला का देहांत हुआ था, उस दिन आसिम रियाज ने एक पोस्ट किया था बिग बॉस के कुछ फोटो शेयर करते हुए कि ऊपर मिलेंगे। उसके बाद देखा हम सभी ने कि किस तरीके से आसिम रियाज सीढ़ियों पर बैठे हुए थे श्मशान घाट में, और पानी पड़ रहा था उनके ऊपर जब अंतिम संस्कार हो रहा था। उसके बाद जितने भी फैंस थे उस सभी का दिल टूट गया, और दिल को झकझोर देने वाली वो फोटोज थी, क्योंकि आसिम रियाज पूरी तरीके से बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। और आज जो है आसिम रियाज ने एक और पोस्ट की है, आप सभी को बता दूं कि उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ऊपर एक बार फिर से मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़ भाई, और वहाँ पर एक टूटा हुआ दिल जो है लगाया है। तो आसिम रियाज बुरी तरीके से टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन दोनों का जो बिग बॉस में रिश्ता था उसको दर्शकों ने राम लक्ष्मण जय वीरू जैसे नाम भी दिए थे, लेकिन उसके बाद कुछ मनमुटाव हुआ, और फिर अंत में जाकर के बिग बॉस में जब जर्नी वीडियो दिखाया गया उस समय जो है दोनों की मनमुटाव खत्म हो गई थी, और उसके बाद जब बाहर आए तो दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना हुआ है नहीं। लेकिन जब मिलना जुलना हुआ तो इस तरीके से हुआ कि सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं थे, और उसके बाद आसिम रियाज पूरी तरीके से बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। और आज उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें लिखा है अल्लाह हाफिज़ भाई, और एक टूटा हुआ दिल लगाया है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना टूट चुके हैं आसिम रियाज सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद, और आज भी उनको सारी चीज़ें याद आ रही है। तो ये बेहद ही झकझोर देने वाली चीज़ें अभी सामने आ रही है। तो इस पर आपका क्या है कहना कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।